अरे अरे मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, समझा कर। तो क्या बहन हूँ मैं तुम्हारी, अच्छी लगती लगा रखा है कब। समझने की कोशिश कर, हम खुश रहेंगे। मैं पुलिस वालों से बोल दूंगी तुम ये सब करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो बहन है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? वैसे भी तू सौतेली बहन है और तेरी माँ को तो मैं मानता हूँ नहीं, पहली बात। तो तुम्हारी माँ को तो मैं मानती हूँ ना माँ। अरे क्या ये भैया, फोन छोड़ दो। मैं घर में सबको बता दूंगी। घर में क्या बताएगी तू, क्या बताएगी? जो सब तुमने करा है। क्या करा है? मेरे को नहीं पता। तुझे ऊपर से लेके नीचे तक सब करा है, बता, जा बता दियो जा। हाँ तुम भी बता देना, मैं भी। मेरे साथ चलेगी, खुश रहेगी, चला घूम के आते हैं हम दोनों। भैया छोड़ो ना। अरे चल इतनी। अब भैया छोड़ो, इधर आइयो। ओए कर क्या रहा है तू? है अरे तू आया ना, तब से कभी इस तरह टच करा, कभी इस तरह टच करा, क्या है ये? सो नमस्ते दोस्तों, मैं आपका भाई गोल्डन यादव, और आज आप लोग सामने कुछ इतनी गंदी प्रॉब्लम लेके आया हूँ, इतनी गंदी प्रॉब्लम आप सोच भी नहीं सकते। इस लड़की के साथ क्या ही हो रहा है, सौतेला भाई है, ठीक है? इस सौतेले भाई ने इसके साथ क्या ही किया है लड़की के साथ, खुद ही सुन लो जो हुआ बताओ। भैया मेरा सौतेला भाई है, मेरे साथ जबरदस्ती करता है। अच्छा मतलब कैसे जबरदस्ती, मतलब क्या? मेरी जो पहले मम्मी थी ना, उनकी डेथ हो गई थी जब मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी, तो मेरे पापा ने मुझे हॉस्टल भेज दिया था। हॉस्टल के बाद से फिर मैं अपने घर आ गई, तो जो मेरा भाई है ना वो मेरे को बोलता है मैं तुझे पसंद करता हूँ, ये करता हूँ, तू मेरे से शादी कर ले। भी करता है आपके साथ संबंध भी बनाया है? हाँ सब कुछ करता है भैया, मुझे मारता भी है। संबंध भी बनाया? हाँ मुझे मारता भी है वो। और आपने बताया था कपड़े हटा करता है, बॉडी पे ऐसे करके हटा के करता है वो मुझसे। गाइस आप लोगों ने सुना है, रो मत, परेशान मत हो, ठीक है? परेशान मत हो गाइस, आप लोगों ने सुना, ठीक है? इस लड़की के साथ इसका सौतेला भाई क्या करता है, अभी वो कहाँ पे होगा? भैया बाथरूम के घर पे होगा शायद। एक बार कॉल करके वहाँ पे बुलाओ, अगर आ सकता है वो। एक माइक को अंदर लगा लो गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इस वीडियो में बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। ये लड़की अपने भाई को कॉल करके बुला रही है, अगर भाई इसका यहाँ पे आया तो आया, नहीं तो उसके घर पे चलेंगे और बकायदा हिडन कैमरा लगा के उसके घर में घुसेंगे कि कैमरा दिखेगा नहीं। आप वीडियो में बनना, वीडियो को बिल्कुल स्किप। तू कर क्या रही है यहाँ पे? अभी क्या मिलने आई है? तेरे से मिलने आई थी मैं। अच्छा मेरे से मिलने आई है? क्या कैसे, क्यों मिलने आई है तू? तुझे क्या लगा तू मेरे साथ कुछ भी करेगा, मुझे पता नहीं चलेगा? क्या पता नहीं चलेगा? तो न खड़े कम कर, ठीक है ना? इसमें तेरी भी मंजूरी थी, ठीक है ना? कौन सी मंजूरी थी? कौन सी मंजूरी? मेरे को सोते वक्त ऐसा करता है, तेरे को शर्म नहीं आई क्या? चल बकवा, ये नाटक मेरा भाई है, तुझे पता नहीं चला क्या? मैं ये सब नहीं जानता, ठीक है ना? तू जहाँ तक कर, तू रो के क्यों दिखा रही है मेरे को? तू भी तो करी थी मेरे साथ। कौन सा कर लिया मैंने? कौन सा? एक रेप्टा मारूंगा चुपचाप से, ठीक है ना? अब ऐसे छोड़ ये सब, तेरा बॉयफ्रेंड आ रहा क्या यहाँ पर जो मुझे बुलाई है? मैं तेरे से ही मिलना ही थी। झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, पहले ये बता मुझे। अच्छा मतलब अपने बॉयफ्रेंड के थ्रू मेरे को पिटवा? चल अभी ये सब छोड़, ठीक है ना? अब बहुत हो गया तेरा ड्रामा, अब जैसे थी पहले वैसे बन जा, ठीक है? मुझे नहीं पता, तू मेरा भाई है, तुझे शर्म नहीं आती क्या? मुझे कुछ शर्म नहीं आता बाबू। यार मम्मी पापा को पता चल गया तो क्या करेंगे? अरे मम्मी पापा की तो टेंशन क्यों ले रही है? तो तू मेरा भाई है, तुझे शर्म नहीं आ रही क्या? अरे तू बैठ 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 मेरे को नहीं बैठ। चल तू मुझे बुलाइए, कोई बात नहीं, ठीक है? मैं मान रहा हूँ, ठीक है? पर बात समझने की कोशिश कर, हम दोनों साथ में रहेंगे, करेंगे। अरे तू गले में, अरे आ, क्या हो गया अब, तू ड्रामा क्यों कर रही है? तू जान मुझे सब मत करा कर, छोड़ ये सब, मत शर्म नहीं आ रही क्या? ये सब मत, तेरी इकलौती बहन। अरे तू गले में छोड़, अरे तू छोड़ ये बात। अरे तू तो क्यों ऐसा कर रही है? अरे तू टेंशन क्यों ले रही है, पहले ये मुझे बता, ठीक है? तू शॉर्ट पहन के बाहर जाके बॉयफ्रेंड पटाएगी तो तेरे बदनामी होगी, मैं तो तेरे घर में हूँ। तो भैया मैं शॉर्ट्स पहनूं से क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? अरे तू बैठ, तू मेरे तेरे पैर से बैठ, वहाँ बैठ, आप बैठ, हम दोनों रहेंगे, खुश रहेंगे। नहीं यार, यार हमारे मम्मी पापा को पता चलेगा तो वो क्या बोलेंगे? गले मिल ले, कोई तुम मेरे भाई हो। अरे तू क्या फर्क पड़ता है, दुनिया हाँ कहेगी, तेरे मम्मी पापा राजी हो जाएंगे, तू इतने टेंशन क्यों ले रही है? चला गले में, छोड़ ये सब बात को, ये सब छोड़, कोई बात नहीं, नहीं ये सब बहुत गलत हो रहा है। गलत कुछ नहीं हो रहा, गलत ये सब नॉर्मल ही है, ठीक है ना? प्लीज आप क्या समझने की कोशिश करो। देख मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? देख मैं सही कह रहा हूँ, तुझे खुश देखो यार, एक खुद। अरे तू गले मिल छोड़, अरे तू ये सब छोड़, तू गले मिल चल। अरे कोई बात नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ ना, अरे तू समझती क्यों नहीं, हम लोग बहुत खुश होंगे यार, बहुत खुश होंगे, ठीक है ना? नहीं क्या, अरे ये सब नहीं हो सकता। बात बता, सब चीज हो गया हम दोनों के बीच में, अब तुझे प्रॉब्लम क्या है? तो भैया तुमने जानबूझ के करा है, वो मैंने अपनी मर्जी से तोड़ना करा, अपने खुशी के लिए तोड़ना करा। अरे सब खुशी के लिए हो जाएगा, तू टेंशन क्यों ले रही है?
भैया मैं तुम्हारी बहन हूँ, अगर किसी को पता चल गया क्या बोलेंगे मोहल्ले में? क्या पता चलेगा? अपने भाई से शादी कर ली उसने, या अपने भाई के साथ ये सब करती है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे चक्कर में बहुत बदनामी हो चुकी है मेरी। तुम ऐसी गली में करते हो, सब कुछ कर रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी की। तू आ भैया, अरे छोड़ ये सब, जितना तू सोचेगी ना उतना होगा, ठीक है ना? दुनिया समझती क्यों नहीं है, सब ठीक होगा, ठीक है ना? नहीं सब ठीक होगा बाबू, मेरी बढ़िया। मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगी अगर ज्यादा हुआ तुम्हारा, और मैं घर में भी सबको बता दूंगी तुमने ये सब करा है। अरे तू मत मत करा, पुलिस वैसे भी तुम्हारे बोला कर, ठीक है? मैं बोलूंगी पुलिस केस करूंगी। तू पुलिस केस करेगी? तू क्या है केस करेगी तेरे भैया? मैं तुम्हें समझा रही हूं, तुम्हें तेरे तू पुलिस केस करेगी तू मेरे पे? सब भैया देखो यार, ये बहुत गलत हो रहा है। अरे तेरा सब कुछ देख रखा है मैंने, ठीक है ना? क्या सब चीज तेरा मैं देख रखा हूँ भैया? मैं तुम्हें समझा चुकी है, सब बहुत गलत है। तू शांति से बस जितना कहता हूँ उतना सुन भैया, नहीं हो पाएगा। फैमिली को पता चल गया वो क्या बोलेंगे? मुझे नहीं कुछ पता, ठीक है? तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? मैं तुम्हारी बहन, ज्यादा मत बोल, ठीक है ना? जितना कर रखा ना तेरे साथ, समझने की तो समझने की कोशिश कर, हम खुश रहेंगे। मैं पुलिस वालों से बोल दूंगी तुम ये सब करते हो। पुलिस वाले के सामने क्या बोलेगी? मैं तेरा सब चीज देख रखा हूँ, ठीक है ना? तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या बोलते हुए भी? ऊपर से लेकर नीचे तक सब देख रखा हूँ मैं, ठीक है ना? मुझे तो ये सब सीखा। अरे तू आ, अरे मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, समझा कर। तो क्या बहन हूँ मैं तुम्हारी, अच्छी लगती लगा रखा है कब से, समझा कर। मैं उतना कह रहा हूँ, मेरा मत्था मत खराब कर, ठीक है? तुम्हारा मत्था खराब हो रहा, कुछ भी हो रहा है, तुम्हें शर्म वरम नहीं आती क्या? मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो बहन है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? वैसे भी तू सौतेली बहन है, और तेरी माँ को तो मैं मानता हूँ नहीं, पहली बात। तो तुम्हारी माँ को तो मैं मानती हूँ ना माँ। अरे तो शांत रहे ना, जितना भी तो पापा तुम्हारे एक ही है ना। देख बकवास मत कर, ठीक है ना? तू मुझे अच्छी लगती है, तेरे माँ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो तुम्हारी माँ क्या बोलेगी, वो नहीं देगा तुमने? मुझे और पापा तुम्हारे एक ही है ना। मुझे नहीं फर्क पड़ता बाबू। अरे छोड़, तू बहुत अभी गुस्सा है, तू शांत हो भैया। तुम समझने की कोशिश करो ना, समझने की कोशिश तू कर, ठीक है? सब नॉर्मल ही है बाबू, ये सब कुछ नॉर्मल ही नहीं है, ये बहुत कुछ हो रहा है, और जो हो रहा है गलत हो रहा है। देख तुम्हें सच में इतना दिमाग नहीं है। क्या दिमाग नहीं? अरे सब सही बहनों में, तो टेंशन मत लिया कर, ठीक है ना? चला आ जा, मेरे को नहीं समझ ना। बैठ चला, किस करेंगे फिर बढ़िया तरीके से? चुप रहो, सारा मूड वो। मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी बहन हूँ, 10 बार बता चुकी हूँ मैं तुम्हें, चिल्ला चिल्ला टेंशन मत लेगा। प्यारे से किस दे दे बाद में मान। अरे समझा करो ना, ये सब तू गुस्सा क्यों हो रही है? अब तो हम लोग रियलिटी में, रिलेशनशिप में आ गए हम, समझा कर यार। पता अरे छोड़िए सब, तेरा मुंह में आ गया। अरे बहुत बदनामी हो चुकी है यार। बाबू शांत हो जा, आ जा गले में। किस दे दे यार, अरे किस दे दे बात खत्म कर फिर। नहीं करना मुझे ये सब, तुम्हारा बहुत देर हो गया, मैं पुलिस को बता रही हूँ फोन करके, और पुलिस ही तुम्हें समझाएगी। अब पहले फोन छोड़, ये पुलिस क्या आई है? फोन दो सर। क्या बहुत देर से देख रही हूँ मैं आपका, क्या तो भैया फोन छोड़ दो, फोन छोड़ दो। मैं घर में सबको बता दूंगी। घर में क्या बताएगी तू? क्या बताएगी? जो सब तुमने करा है, क्या करा है मेरे को नहीं पता। ऊपर से तुझे ऊपर से लेके नीचे तक सब करा है, जा बता दियो जा। हाँ तुम भी बता देना, मैं भी बता रही हूँ। तुम्हें बहुत शौक है ना फोन दे, मैं पुलिस को बता दूंगी। बहुत हो गया आपका, एक मेरा ड्रामा मत, इतना ड्रामा मत कर, ठीक है? समझ रहा है ना? फोन दो उधर, ये दू एक कान के नीचे। ऐसे कैसे मार दोगे? बहनों मैं तुम्हारी, और जो इतना सब कर रहे हो ना वो कोई बात नहीं, समझ रहा हूँ मैं, ठीक है? शांति से रह, दिमाग ठंडा रख, और कुछ सोच, हम दोनों रहेंगे रिलेशनशिप में कितना बढ़िया रहेगा। क्या सोचूं, तुम मेरे भाई हो। क्या भाई हो? पापा को। अरे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कैसे समझ नहीं। अरे आ तू गले में, गले में कोई बात नहीं, मानता हूँ, ठीक है फिर। अरे तू नखड़े क्यों कर रही है? नखड़े क्यों कर रही है? ये पुलिस वुलिस का क्या मैटर कर रही है? ले फोन पकड़, अब दिखा के इसको कॉल करेगी। पुलिस को ही करूंगा। क्यों करेगी? अरे तू छोड़, पुलिस पुलिस को छोड़। अरे मैं पुलिस को फोन कर रही हूं। अरे चल, तू मेरे साथ चलेगी, खुश रहेगी, चला घूम के आते हैं हम दोनों। भैया छोड़ो ना। अरे चल इतनी, अब भैया छोड़ो, इधर आइयो। ओए कर क्या रहा, क्या कर रहा तू है? अरे कर क्या रहा तू इसके साथ? भाई तू है कौन बता, इधर आ रहा, ये कर क्या रहा? यही तुम्हारा भाई है? हां यही है मेरा भाई। अरे है कौन वैसे, क्या कर रहा है? मुझे भी पता है कौन तू, अरे कौन है ये? भैया ये मेरे भैया है। हाँ। कर क्या रहा तू इसके साथ? क्या कर क्या रहा है भाई? तू पहले ये बता, तू है कौन ना? तू मेरे साथ ऐसा हरकत क्यों कर रहा है? ये हमारा पर्सनल मैटर है। तेरी बहन लगती है ना ये, हमारा पर्सनल। क्या तू क्या हरकत कर रहा है इसके साथ? पर्सनल मैटर है ये, पर्सनल मैटर है। हाँ अपनी बहन को इस तरह टांग रहा, पर्सनल मैटर है तेरा, पर्सनल मैटर है ये। तू है कौन भाई? तू मार कैसे रहा है मेरे को? माँ बाप को पता है कि तू इसके साथ क्या करता है? तेरे बाप को पता है? तो तुझे उससे क्या लेना देना है? इस लड़की ने मुझे सब कुछ बता रखा है तेरे बारे में, जो तू इसके साथ करता है। ए, कौन है ये? हटा इसे, ले जा इसे, ठीक है ना? मेरा मत्था मत खराब कर। मैं नहीं ले जा रही भैया, है वो मेरे। ओ मत्था क्या? यहीं पे ना अभी अगर चप्पल निकाल के मारूं ना यहीं पे, क्या मारेगा? मत्था खत्म हो जाएगा। क्या ये तेरी बहन लगता है भाई? तू मार क्यों रहा है? तू मार क्यों रहा है भाई?
18 प्लस है। इसकी एज कितनी है? भाई तू वैसे है कौन? ये पढ़ा है ना आपसे? हाँ, छोटा है, एक साल बड़ा है। भाई तू है कौन? मैं क्यों मार रहा हूँ? तू इसके साथ ऐसा गलत काम क्यों कर रहा है भाई? क्यों कर रहा है भाई? वो खुश है तभी तो कर रहा हूँ। तुम खुश हो इसके साथ? भैया नहीं, मेरे साथ जबरदस्ती करता है। मैं जब सोती उसके बाद और मुझसे उल्टा सीधा बोल रहा था। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? करना क्या चाह रहा है इसके साथ ये बता दे। हो कौन भाई? अरे बात बता, बहन का मतलब जानता है क्या होता है? तू मुझे मत सिखा ये सब। धर्म नहीं चीजें करते हुए, तेरी बहन है, बहन बोलते है ना उसको है? जब उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो तू कौन होता है मेरे बीच में बोलने वाला? इसी ने मुझे बुलाया और सारी चीजें बताई कि तू इसके साथ क्या करना चाह रहा है। क्या ये माँ बाप को पता है तू इसके साथ ये सब करता है? प्यार से बात करना, ऐसा क्या हाथ वाथ उठा रहा है मेरे पे? बोल क्या बोलूं? बोल, प्यार से बात कर रहा हूँ, बोल ना भाई। ये कोई मैटर हुआ तू आएगा मारने लगेगा? ओए मैं अभी भी कह रहा हूँ हटा दे इसे, देख मैं तेरा जीना आराम कर दूंगा। तू आने के बाद क्या हरकतें कर रहा था इसके साथ? वहां से देख रहा हूँ मैं। भाई मैं क्या करूँ, तू कुछ भी हो, हम दोनों का पर्सनल मैटर है, तू क्यों आ रहा बीच में? इसकी ये बोल रही है, इसको टच कर। इसको क्या टच कर? जब से आया है तू यहाँ पे, जब से आया है इसको टच किया जा रहा है। क्या तो मेरी है ये? शर्म नहीं चीजें करते हुए है? कैसे शर्म, जब इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लगती है तेरी बहन है ना? मैं नहीं मान रहा इसे बहन। भाई मान लिया, चल सौतेला है लेकिन है तो बहन ही ना। मैं नहीं मान रहा। उसके दोस्त, तेरे दोस्त क्या बातें बना रहे, तुझे पता भी है जो तू इसके साथ संबंध बना रहा? क्या लगता है कि बाहर पता नहीं चलेगा लोगों को? क्या पता चलेगा भाई जब हम कर रहे, तो तू कौन होता है, क्यों आ रहा है बीच में? वो खुश है, वो खुश है तभी तो रह रही है। वो अगर वो किसी दिन अपने मम्मी पापा को बताई थी, उस दिन तूने इसको मार दिया था, इसको गलत बना दिया था। क्या कहता बाहर जाके करेगी मेरे साथ कर है? और क्या, ठीक तो उसे सीख दे तो, बाहर जाके शॉर्ट शॉर्ट पैंट पहन के जाती है, इसको कुछ बोल तो मैं कर रहा हूँ तो गलत है? कौन है देख ले, अच्छी बात ना। तू उसके साथ कुछ भी कर रहा है, उसकी राजा मंदी होनी चाहिए। कुछ भी कर रहा है वो खुश होनी चाहिए। जा अपना काम कर। ओए चल, ओए ओए देख, हाथ मत लगा। क्या हाथ मत लगा? ओए चल, थोड़ा तू कौन है? हाथ तू जा अपना काम कर। क्या कर लेगा? अभी भी कह रहा हूँ जा अपना काम कर। अपना ही काम कर रहा हूँ, अपना ही काम कर रहा हूँ। ये तेरा काम है लोगों के बीच में घुसना? हाँ लोगों के बीच में घुसना काम है मेरा। हाँ क्या इस लड़की को दिक्कत? एक बात बताओ, ये तुमको क्या बोलता है ये बताना, इसके मुंह पे बताओ ये क्या बोलता है? मेरे से कहता है मेरे से शादी करेगा ये। बहनों में इसके हमारे पापा तो एक ही है, बस मम्मी अलग है। और इसकी मम्मी मुझे बहुत बेटी मानती है, वो मुझे बहुत प्यार करती है। सच बात और ये सब घर पे बुलाता है और फिर मुझे डरो मत, जो हो रहा है बताओ बोलो। ये मुझे घर पे बुलाता है, मारता है, फिर मेरे साथ गलत काम करता है। ए, तेरे साथ कब गलत काम करी मैंने? सब झूठ कह रही है ये, तुम हो कौन वैसे? तुम ये सुन क्यों रहे हो हमारी बातें? इसी ने बुला रखा है, बकायदा सब कुछ बता रखा है कि तू इसके साथ क्या करता क्या नहीं करता है, ठीक है? और इसने ना तेरी इतनी मतलब बड़े पिक्चर बनवा रही है तेरी, ठीक है? इसी ने और इसने सब कुछ बोला सामने, देख एक बार कैमरा लगा रखा, सबके सब रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव जा रहा है फेसबुक और यूट्यूब। भाई तू वीडियो क्यों बना रहा है? बंद करो ये फेसबुक और यूट्यूब पे, बंद करो ये वीडियो, बंद करो ये फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव जा रहा है। सुन ले, गोल्डन यादव नाम है, सर्च करके देख ले यूट्यूब और फेसबुक पे, मिल जाएगा तुझे। तो भाई एक बात सुन ले, कैमरा पहले बंद करवा भाई। ये बोला कैमरा बंद करवा, कैमरा बंद। हाँ कपड़े उतारने का शौक है ना, कपड़े उतार। चल भाई कैमरा बंद करो, कपड़े उतार, कैमरा बंद करो भाई। मैडम बात बताओ, ये कितनी बार तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया ये बताओ? सब झूठ कह रही है, देख कैमरा बंद करवा ले भाई। उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ, जब से तू आया ना तब से कभी इस तरह टच करा, कभी इस तरह टच करा, क्या है ये? भाई तू कैमरा बंद करवा ले भाई यार प्लीज। तेरे माँ बाप को ये सब करतूते दिखाऊंगा ना, तब पता चलेगा कि कौन सही है, ये गलत है तू गलत है, ठीक है? तेरे माँ बाप को जब पता चलेगा तू ये हरकतें करता है, तब जाके पता चलेगा उनको, ठीक है? और बड़े शरीफ बनता था ना अपने माँ बाप के सामने, अब पता चलेगा उन। बंद करवा लो है, बंद करवा लो। क्यों कर रहा था फिर ऐसा? गलती हो गई है, गलती, तेज बोल, गलती हो गई दिव्या। किधर बैठ जा, एक बात बता, तू शर्म नहीं अच्छी चीजें करता? क्या बोलता है? बहन बोलता है। बहन का मतलब जानता क्या? वो तो तुझे भाई मानती है ना सगा है, और तू उसके साथ इतना गलत कर रहा है। गलती, अरे शर्म कर लेनी चाहिए मेरे भाई, शर्म। अब गलती हो गई दिव्या है, गलती हो गई, अब पता चल रहा है। वीडियो बंद करवा दीजिए प्लीज। क्यों? वो तेरे माँ बाप को दिखाऊंगा ले जाके, इस लड़की को पूरे उसमें लिंक दूंगा वीडियो का, और वो जब अपने अपने माँ बाप को दिखाएगी कि तू उसके साथ क्या करता है। मेरे अंदर वहम हो गया था भैया प्लीज, मैं अभी हाथ जोड़। किस बात का वहम है? किस बात का? मेरे सामने हाथ मत जोड़, उसके सामने हाथ जोड़ जिसके साथ तू गलत बंद करता है, संबंध बनाता है, उसके कपड़े उठने बहन के हैं। तेरे जैसे भाई को ना मन कर रहे हैं। जब से तू आया है, जब से आया है उसको कभी इस तरह टच करा, कभी इस तरह टच करा, वो तुझे मना किया जा रही है, मना किया जा रही है, फिर भी तू हरकतें किया जा रहा है उसके साथ। सॉरी भैया,
अब क्यों सॉरी बोल रहा? अभी तो बहुत चौड़ा होकर बोल रहा था कि मेरे बीच में मत आ, मेरे अंदर की बात है। हो गया था भैया, प्लीज़ टाइम जैसा हो गया था, मैं नहीं समझ। तेरे माँ बाप को अगर ये पता चलेगी ना कि तू अपनी बहन के साथ ऐसा कर रहा है, शर्म के मारे डूब में रहेंगे, ठीक है? अगर ये सब बातें पता चली तो उनको। जी भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई थी। कैसे माफ़ कर दूँ, कैसे माफ़ कर दूँ? एक बात बता, तूने माफ़ी का काम किया है? ये कोई गलती है भाई, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। प्लीज़ बहन बंद करवा दे यार वीडियो, प्लीज़ बहुत हो गया, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। भाई एक बात बता दे, अगर कल के डेट में इस लड़की को कहीं शादी वादी करना होगा, कैसे करेगी ये लड़की, हैं? कैसे करेगी तू बता। अरे भाई थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए कि ये चीज़ों को लाइव जा रही है फेसबुक और यूट्यूब पे, तो इसके साथ गलत किए जा रहा है, गलत किए जा रहा है। और इस लड़की ने खुद बोला है, तब जाके कैमरा लगाया तेरे माँ बाप को दिखाने के लिए, ठीक है? नहीं गलती मत दिखाना। कितनी बार इसके साथ तूने गलत किया ये बता, जब रात में सोती है इसके साथ, इसके बेड में घुस जाता है, इसके कमरे में चद्दर में घुस जाता है, इसके साथ गलत काम करता है, कपड़े खोल देता है इसके, तो गलती जबरदस्ती फ़ोटो लेता है इसके, हैं? सब चीज़ें एक एक दिखा रखे इसे, ठीक है? सब कुछ बता रखा है, एक एक चीज़ें। आप बताओ क्या करना चाहिए इसका, आप बताओ। मैं चाहती हूँ मम्मी पापा को पता चल जाए, वैसे सबको पता चल चुका है आधे लोगों। और तुम्हारे इसके दोस्त यार क्या बोलते हैं? कि अपने भाई के साथ सोती है हमारे। सुन लिया? और उल्टा सीधा बोलते हैं। सुन लिया क्या बोलते हैं? मुझे माफ कर दे। मैंने अब मम्मी पापा को ही पता चलेगा। कैसे माफ कर देगी तू बता, कैसे माफ कर देगी ये सब चीजें देखते हुए भी, हैं? गलती हो गई थी भैया। ये कोई गलती नहीं है मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है, गलती नहीं है, इसको गलती नहीं बोलते हैं, ठीक है? प्लीज भैया वीडियो कट करा दीजिए प्लीज। माइक देना एक बार। सो गाइस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है? आप लोगों ने सुन लिया, बैठे आप। आज के बाद इसके साथ करेगा ऐसा? नहीं भैया कभी, है? कभी बैठ जाओ पे। अगर कुछ भी किया तो इसके साथ ऐसा तो नहीं भैया, कसम से नहीं भैया, ये सब नहीं करना। अगर ये सब चीज़ें ना तेरे माँ बाप को दिखाऊंगा, उससे पहले तो नहीं छोड़ने वाला। जो तू इसके साथ हरकतें किया और आज के बाद से इसके आसपास भी भटक गया और कहीं दूर भी इसको टच कर दिया ना, तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पहले बता रहा हूँ, घर में घुस के मारूंगा तुझे। सुबह ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो मेरे भाई। और ना ऐसे ना ऐसे नलायक, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, बेशर्मों की, अभी भी उसके पैर पकड़ के माफ़ी मांग, उसका पैर पकड़ के माफ़ी मांग, चल मांग। आज के बाद नहीं करेगा ना ऐसा? अगर आज के बाद सुनने में आ गया ना भाई, घर में से निकाल के मारूंगा, पहले बताता रहो, ठीक है? बैठ जा, कहीं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो मेरे भाई। और जिस इंस्टाग्राम की आईडी गोल्डन प्रैंक जाके सर्च करो और फॉलो कर लो मेरे भाई, और इंस्टाग्राम पे बताना मैंने सही किया गलत किया। और इस वीडियो को ना कमेंट में सबके कमेंट का रिप्लाई का इंतजार करूंगा, सही किया गलत किया। और कोई मदद चाहिए? नहीं। ये वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, अपने घर पर दिखाओगे? फिर मुझे बताना, और ये वीडियो मैं डाल दूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि लोगों को इससे सीख मिलेगी और आगे से डर बना रहेगा, इस तरह हरकतें कोई रिश्तेदार भी नहीं करेगा, ठीक है? गाइस कुछ नहीं बोलूँगा, जितना उसे वीडियो को शेयर कर दो, मैडम ने खुद बोल दिया, बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।